तो उनकी आवाज को बंद करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति और स्थिति में हमारे देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी, जिनकी आवाज को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबने दबाने का प्रयास किया, पर एक राजा का बेटा लोकतंत्र में आज की तारीख में जो आपको वोट का अधिकार मिला है उसे राजा बनता है। जिनके परिवार में तीन तीन प्रधानमंत्री हुए, ऐसी शख्सियत पैदल यात्रा करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए निकल पड़ते हैं और न्याय यात्रा करके आपके मणिपुर से बॉम्बे तक के लिए निकलते हैं और गांव गांव गली गली मोहल्ले सड़क सड़क पर चल के ऑटो रिक्शा वालों से बात करके, ट्रक ड्राइवर से बात करके, हमालों से बात करके, मजदूरों किसानों नारी शक्तियों से बात करके, सरकारी कर्मचारी और व्यापारी वर्गों से बात करके, उनके दर्द व्यथा और पीड़ा को जान के आज लोकतंत्र के इस पावन पर्व में हम पूरी कमर कस के इस चुनाव में तैयार हुए हैं और देश की जनता तैयार हो चुकी है कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए, देश में फिर से मोहब्बत की राजनीति खड़ी करने के लिए। हमने देख लिया कांग्रेस का शासन काल, हमने देखा था, सोचा था देश में बदलाव आना चाहिए और बदलाव के लिए 14 में वोटिंग हुई, इस देश में भाजपा की सरकार बनी। जो लोग कहते हैं इस देश में कांग्रेस ने आजादी के इतिहास के बाद में क्या किया, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी और कई हजारों हमारे महान सपूत शहीद हुए। उसके बाद में इस देश में IIM, IIT, AIIMS और जो इस मोबाइल से आप बात करते संचार की क्रांति लाने वाले माननीय राजीव गांधी जी, इस देश को बनाया और आपने क्या किया, आपने इस देश को भेजने का काम किया, आपने मजदूरों का अधिकार छीना, आपने नारी शक्ति का अधिकार छीना, आपने किसानों के अधिकार को छीना और वो दंड उद्योगपति के हाथ में देश की प्रॉपर्टी को देने का काम कर रहे हैं। क्या स्वीकार करेंगे सिंचा धारा को नहीं, और इसीलिए यदि हम यहां पर खड़े हैं खरगोन बड़वानी लोकसभा में, वहां की बात करें तो आप देखिए पिछले 15 साल से देश की बड़ी संसद में आपने भाजपा के व्यक्ति को चुन के भेजा और आज की तारीख में दो भाजपा के प्रत्याशी हैं और भाजपा के सांसद हैं, उनकी जो निश्चितता आप देख लीजिए, आपने सिंहवेल महादेव को बोल दिया, वहां पर हम राज रुक के आए हैं, वहां की स्थिति सिचुएशन को हमने देखा है। आज 3 महीने पहले जिस गांव को यहां के सांसद ने बोल दिया, वहां पर एक माता प्रसव पीड़ा सहन करते करते दम तोड़ देती है। क्या ऐसा गांव जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, आप एक गांव का विकास नहीं कर सकते, क्या क्षेत्र का विकास करोगे? और आदिवासियों के खिलाफ आज भी अन्याय अत्याचार दमन शोषण होता है, आप कितनी बार उनके बीच में जाते हो, आप कितनी बार सदन में बात रखते हो? जो लकड़ी बेचने वाला जीवन है मेरा, जो घास बेचने वाला जीवन है, जो मजदूरी करने वाला जीवन है, जो किसानी का जीवन है और 20 साल की सरकारी नौकरी करने के बावजूद भी जनता के बीच में इस इलाके में गांव गांव शहर शहर फिर घूमने का मेरा अनुभव है। मैं जानता हूं यहाँ की नब्जों को, मैं समझता हूँ यहाँ की नब्जों को, यहाँ के दर्द को, यहाँ के जितने नेता बनते हैं ना भाजपा के लोग, उनकी भी पूरी चीजों को मैं जानता। तो ये लोग जब हमारा टिकट डिक्लेयर हुआ
बढ़िया हुआ, एक नए छोरे को लेके आ गए, सरकारी नौकरी छुड़वा के लेके आ गए। मैं कहना चाहता हूं ये नौकरी मैंने किसी के कहने पे नहीं छोड़ी है। मेरा प्रण था कि 20 साल की शासकीय की सेवा करूंगा और उसके बाद में मेरा पूरा जीवन परिवार को छोड़ के पूरे समाज और देश के लिए समर्पित करूंगा। और मैंने समर्पित किया और उसी का सम्मान आज इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक छोटे से किसान के बेटे को, गरीब के बेटे को टिकट दिया, खरगोन बड़वानी लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। एक नौजवान युवा अपना पूरा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित करता है तो आप लोगों से क्या मांग रहा है? वो सिर्फ आपका अभिमत मांग रहा है, आपका वोट मांग रहा है। क्या आप दोगे? और बात करना है आप लोगों को कि यह जो युवा पद प्रतिष्ठा पैसे के लिए इस पॉलिटिक्स में नहीं आया है, बदलाव के लिए आया है और राजनीति में बदलाव के लिए आया है। इसलिए यहां के भाजपाइयों को भी कह दीजिए कि आपने 15 साल तक वोट देके आपके नेता को देखा, अब हमारे नेता को, कांग्रेस पार्टी के नेता को एक बार वोट देने देखिए। इनकी काम की जवाबदारी गारंटी हम लेते हैं, आप लोग कहेंगे या नहीं कहेंगे। आप लोग अपने नातेदार रिश्तेदार मित्र में पड़ोस के घर और गांव में निकल पड़िए। ये समाज और देश का बेटा हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, आपसे मात्र 21 दिन मांग रहे हैं। कितने? 21 दिन। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को, ठीक है परीक्षा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई को छोड़ के 21 दिन मुझे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दीजिए। मजदूर 21 दिन दीजिए, किसान 21 दिन दीजिए, सरकारी कर्मचारी अपने घर में बात कीजिए, अपनी आचार संहिता में रहिए। और जो व्यापारी वर्ग है मत गए, ये लोग जीएसटी के नाम पे आपको डराते हैं। मैं जीएसटी का ऑफिसर रहा हूं, मैं जानता हूं आपका दर्द को कि किस तरह से आप लोग ये दर्द को सह रहे हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है क्योंकि आपको इनकम टैक्स का छापा डाला जाता है, आपके ऊपर पुलिस प्रकरण बनाए जाते हैं, आपको डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है। अब डरने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का एक नौजवान सिपाही इस देश का बेटा लड़ने के लिए आया है, रुकने के लिए, झुकने के लिए, बिकने के लिए नहीं आया है। जब तक है जान तब तक लड़ेंगे हम आपके लिए। और इस इलाके के जो सरपंच है वो भी सुन लीजिए, ये कब तक कराएंगे? यहां बरगुड़ के सरपंच को 25 लाख की रिकवरी निकाली जाती है, आप फूलकोट के सरपंच 65 लाख की रिकवरी निकाली जाती है और कहते हैं कि भाजपा में आ जाइए ये रिकवरी खत्म कर देंगे। अरे भैया, यदि वो भ्रष्टाचारी है तो जेल में डालिए, अब भ्रष्टाचारी को भाजपा में ला सकते, भाजपा एक जेल है क्या? यदि जेल है तो ले जाइए सबको, मैं भ्रष्टाचारी ले जाके भाजपा में बंद कर दीजिए। लेकिन लोकतंत्र में मैं मेरी बात को खत्म करूंगा क्योंकि हमारे आदरणीय नेता को भी हम लोगों को सुनना है। ये लोग बोल रहे हैं इस देश में कि आपकी बार 400 बार, लेकिन देश की जनता, भैया मैं कह रहा हूं, ये देश की जनता कह रही है कि आपकी बार भाजपा सत्ता से बाहर, सही बोल रहा हूं मैं? और मेरी दीदियां नारी शक्तियों, वो आपको भाई और बहनों कहने वाला आपका मामा जिसने विधानसभा चुनाव में आपसे वादे किए थे, विधानसभा में वादे किए थे 1200 रुपए चुनिंदा बहनों के खाते में डाले थे और 3000 के वादे चुनाव के बाद में डालने के किए थे। ये मेरी माता बहने बैठी, बताइए कितनी बहनों के खाते में 3000 रुपए आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। उन्होंने पिक्चर फिल्म इस पर्दे से मामा को गायब कर दिया है और इन्हें हिम्मत नहीं है, इसलिए भाजपा की गारंटी की बात नहीं करते हैं, ये मोदी की गारंटी की बात करते हैं। उनकी रीति और नीति ऐसी है कि आने वाले समय में हो सकता मोदी को भी पिक्चर फिल्म से बाहर कर दे। तो साथियों, ये
वक्त बदलाव का है, ये वक्त नाजुक है। आप लोग मेरा साथ दीजिए, कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। ये समाज का बेटा, देश का बेटा जो घर बार छोड़ के अकेले रह रहा है, वो आपसे वादा करता है कि यदि आपने 13 तारीख को पूरे खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के पूरे 2242 बूथों से प्रचंड बहुमत से मुझे आशीर्वाद देते हैं, तो हम मोदी जैसी गारंटी की बात नहीं करते। लेकिन हमारे सम्मानी मंच की उपस्थिति में इस बात की गारंटी जरूर देते हैं कि चाहे मजदूर की बात हो, किसान की बात हो, व्यापारी की बात हो और नारी शक्ति की बात हो, किसी भी वर्ग की बात हो, ये आपका बेटा पूरी ताकत के साथ में सदन में आवाज उठाएगा। दूसरी जो गारंटी हमारी है कि आपके सुख दुख में जो भी हमको पावर मिलेंगे सांसद निधि के माध्यम से और हमारी सरकार देश में बनने जा रही है, चिंता मत करना। जहां जहां जरूरत पड़ेगी हमारी टीम के माध्यम से आपके साथ में उपस्थित रहेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी ये पोरलाल खड़े आपके सम्मुख हाजिर होगा, आपके सवालों का जवाब देगा, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए तत्पर रहेगा। और आखिरी बात कि ये देखिए, भाषण तो दिन भर दिए जा सकते हैं लेकिन असली काम क्या है? असली काम बूथ में वोटिंग करवाने का है। आप लोग तैयार हो क्या? ये रिजल्ट तो भैया आज आपको दिख गया, ये रिजल्ट तो हम 4 दिन को पूरे गांव गांव में, शहर शहर में, जैसे हम प्रचार में जा रहे ढोल मांदल के साथ में हमारा स्वागत कर रहे हैं 4 दिन को, क्योंकि ये खरगोन बड़वानी लोकसभा का चुनाव पोरलाल खड़े या कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है। ये खरगोन बड़वानी लोकसभा का चुनाव यहाँ की आम जनता और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। जीत होगी तो खुशियां भी गांव गांव में मनाई जाएगी और नाचेंगे भी हम सब लोग मिल के। तो रिजल्ट आएगा हमारे फेवर में, आएगा 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 आएगा। आखिरी बार भाई से बोल से हाथ पड़ी तो मुकाते कोई नहीं दादा है नहीं, हमारे लिए तो करो या मरो वाली स्थिति से ये सब जान लिया, आंखा में कल लड़ गया घर वाला से लेकर सब आपका घर बार छुड़ी नौकरी छुड़ी तो आई है इन समाज में झूठ लाख को ये घोड़ा गांडा से बाकी मैसे का जो विश्वास है दादा मारा तो वंशिया ने मार काकी से मार भाभी इन मार भाई से मार काका से मार बाबा आंखा में भी काम को से इन्हें मैसे का जो आशीर्वाद आपसे आप तो मिले आप तो गाड़ी आदिवासी जो लड़ेगा वो जीतेगा। अभी क्रम में